सागर में 8 दिन से बस संचालकों की हड़ताल जारी है और इनकी मांग है कि बसों को पुराने बस स्टैंड से ही संचालित किया जाए, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कलेक्टर साहब ने इनकी कोई सुध नहीं ली। कलेक्टर साहब को सागर आए पूरे 8 दिन हो गए, लेकिन उनको शायद सागर की जनता की कोई फिक्री नहीं है। सागर में हड़ताल कर रहे बस संचालकों के साथ अब आम जनता भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आ रही है और लगातार समर्थन भी दे रही है। बीते दिनों पुराने बस स्टैंड की मांग को लेकर बाइक रैलियां हुई, मशाल जुलूस निकाला गया, लेकिन कलेक्टर साहब अभी भी मौन ही है। बस संचालकों ने सोचा था कि नए कलेक्टर साहब आए हैं तो कुछ हल निकालेंगे, हमारे पास आकर हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हड़ताल कर रहे बस संचालकों की यह उम्मीद केवल और केवल उम्मीद ही रह गई। कलेक्टर साहब ने हड़ताल पर बैठे लोगों का दिल तोड़ दिया और फिर अब गुस्साए लोगों ने सागर को बंद करने का ऐलान कर दिया और आने वाले दिन यानी कि 13 अगस्त को सागर बंद रहेगा। शहर में कोई चहल पहल नजर नहीं आएगी। आखिर यह सब कब तक चलेगा? आखिर कब कलेक्टर साहब इन लोगों से मिलेंगे और जनता को राहत मिले इसका कोई रास्ता निकालेंगे? बस संचालकों की हड़ताल लगातार जारी है और यह हड़ताल तभी उठेगी जब पुराने बस स्टैंड से बसें संचालित की जाएंगी। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह बस संचालकों का कहना है। हम तो कहते हैं कि कलेक्टर साहब इन लोगों से मिलिए, इन लोगों के पास बैठिए और इस बड़ी परेशानी का कोई हल निकालिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता और क्रोधित हो जाए और कोई बड़ा फैसला ले ले। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक सागर का जिला प्रशासन इन बस संचालकों से मिलता है और इस हड़ताल का कोई रास्ता निकालता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहां आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।